हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार यार स्टार्ट कर रहे हैं आज घर से निकलते ही, तो रास्ते में हमें बहुत कुछ इस तरह से मिल रहा है जैसे कि कावड़ वगैरह जा रही है, कावड़ यात्रा वगैरह जा रही है। और आज शिवरात्रि नहीं, हाँ कल शिवरात्रि है, कुछ शिवरात्रि आज मना रहे हैं, कुछ कल मना रहे हैं। और जगह जगह देखने को मिल रहा है कि डाक कावड़ जा रही है, एक और आगे जा रही है, और थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम भी हो रही है ट्रैफिक को कुछ इस तरीके से। और ये भाई यहाँ ये दौड़ते हुए इस तरह से जल ले जा रहे हैं, ये एक आगे खड़ी है, ये भाई देखो ये बैठे बैठे नहा भी रहे हैं, ये जा रहे डाक कावड़ भाई। तो बहुत अलग अलग तरीके का, बहुत जगह से भाई डाक कावड़ लेके आ रहे हैं, और हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये देखो सेवा करते हुए, सेवा भी कर रहे हैं। तो यार जाने वाली है गाड़ी हमारे पास से आज सियाज, जिसकी हमने सलामी वगैरह की थी, तो रिटेल वीडियो इसकी बना नहीं पाए हम, इसलिए काम करते करते पता भी नहीं चला, वीडियो शूट भी करनी थी, काम भी हमें ही करना था, और एक हमारा स्टाफ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी उसको, तो इसलिए यार जितना शूट हुआ अपने मैंने ब्लॉग में दिखाया आपको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी अभी गाड़ी आई है हमारे पास, ये इको स्पोर्ट्स, और इसमें करने वाले हैं आज हम स्टीम वॉश। और गाड़ी गंदी है काफी अंदर से, हालांकि ये क्या बात करता है यार, दिखा देता हूँ आपको। डस्ट वगैरह काफी हुई पड़ी है, इसको कर रहे हैं कि नहीं, हालांकि इसको वैसे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, और इसमें ड्राई क्लीन की बहुत ज़रूरत है यार, क्योंकि काफ़ी गंदी हो रखी है। देखो पहले मैं कस्टमर से बोला यार, कस्टमर ने बोला है हमसे इधर कोई बात नहीं, आप पहले आप स्टीम वॉश करके दिखाइए हमें, आपका काम अच्छा लगता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं ठीक है सर। गाड़ी का काम हो गया था पूरा कंप्लीट, तो अब गाड़ी की डिलीवरी है और गाड़ी जा रही है। फोन की बीमारी है, इसको छोड़ता नहीं है। हाँ ये कर लो पहले। और ये हमारा केमिकल जिससे हम छोटे मोटे दाग निकालते हैं और इंटीरियर क्लीन करते हैं। टायर पे यार अगर ब्रश लग जाता है ना, तो टायर पे कुछ चमक जाते हैं, तो टायर साफ मतलब तो गाड़ी साफ हो जाती है, उसके लोकिया लगा जाती है। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो यार गाड़ी अभी कस्टमर को छोड़ दिया, गाड़ी लेके जा रहे हैं वर्कशॉप। कस्टमर ने बोला कि यार गाड़ी मुझे शाम तक दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट गाड़ी को अच्छे से क्लीन विलीन करा देना। तो ये गाड़ी है यार, इसमें ड्रेसिंग वगैरह करनी है, हालांकि गाड़ी गंदी काफ़ी पड़ी है, क्योंकि बेज कलर होता है इस पर ना, छोटे मोटे दाग भी ना बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और सीटी वगैरह भी हैं, बाकी डस्ट वस्ट काफ़ी हो रखी है इसके अंदर। ये फालतू बातें बता रहे हो मुझे, इसके अंदर कुछ पेपर वगैरह पड़े हैं। यहाँ पे क्या, ये है रोड रोलर। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, क्लासिक वाली है, और गाड़ी के अंदर रोड रोलर मिला भाई हमें, तो उसका इसकी वॉशिंग वॉशिंग करनी है हमें, और वो डीप क्लीन करके देनी है। कस्टमर ने बोला नहीं भाई, डीप क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। गाड़ी ऑलमोस्ट तैयार है और शीशे बन रहे हैं, गाड़ी रेडी टू डिलीवरी। और इस गाड़ी में हो गया है अपना वैक्यूम वगैरह सब कुछ हो गया है, इसको करेंगे अंदर हम। और एक दीवा खड़ी है हमारे पास, फूल हम वैक्यूम का लगाएंगे। मगर यार हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों आज हालत देख के लग ही रहा होगा। काम
करना पड़ रहा है आज तो आज हमारा एक स्टाफ नहीं आया है यार, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो मैं काम कर ही रहा हूँ, खुद ही काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, अगर घर में हो जाता है तो यार सबसे जल्दी होती है, फटाफट लाओ लाओ लगाओ लगाओ, हमारा काम करो हमारा काम करो। तो यार ये है बुलेट रॉयल एनफील्ड की, इसमें नया वेरियंट है इसका, कौन सा है तो मुझे पता नहीं, बट ये नई बुलेट आई है यार, क्लासिक है, क्लासिक। तो यार नए नए मॉडल निकाल रही है रॉयल एनफील्ड, पता नहीं कितनी चीज़ें निकाल चुकी है, कोई क्लासिक है और स्टैंडर्ड है, पुरानी वाली है, अभी इन्होंने नई नई चीज़ें निकाली हैं, तो पता तो उसके समझ में नहीं आ रहा बुलेट क्या करके मानेगी। सर गाड़ियाँ भी बहुत सारे वेरियंट निकाल देते हैं ना, इधर ये ले लो, ये इतने का, ये इतने का, ये उतने का, तो उस तरह भाई बुलेट भी इस चीज़ में उतर चुकी है, उसने पूरा धमाल मचा रखा है कि बुलेट चाहिए सर कौन सी चाहिए बताओ, इतने की भी है हमारे पास, 2 लाख वाली भी है, 2.5 लाख वाली भी है, 3-3 लाख रुपये की बुलेट भी है इनके पास। आप तो काम खड़े थक गए हैं, हालत ऐसी हो गई है पूरे पसीने पसीने हो गए हैं, तो आज हल्के तो पता लग रहा है गर्मी की दिन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल बाद में, अभी हल्के तो नहीं कुछ नहीं, अभी अभी प्याज खड़ी है, वो अपने एक और खड़ी है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। भाई पानी खत्म हो गया, टैंकर मंगाया है, गाड़ी वाड़ी वॉश होनी है। अच्छा क्या कह रहे थे आप? भाई बिग बॉस में जाएगा, हमारा टेंशन नहीं है, मतलब मैं बिग बॉस में जाऊंगा भाई, सच करके दिखानी है, ठीक है ना भाई? एक भाई बैठे, भाई एक तुम्हारे सामने कह रहा, ठीक है, पक्का पक्का जी, अरे भाई देखो तुम बिग बॉस में बैठो, थोड़ी सिफारिश तुम लगा दो ना भाई की, हरियाणा पहले मैंने पानी 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 नहीं आ रहा था, पानी इतना भर गया है, वापस जाना पड़ रहा है, समय समय वाली बात है यार, टैंक भर गया पूरा, टैंक वैंक पूरा भर गया, हमारा पानी फेंकना पड़ रहा है, लगा लो हमें, समय वाली बात है यार। मंकी जी भी आ गए भाई हमारे पास, मंकी जी की वैसे सेना आई है वैसे पूरी हमारे पास, लीजिएगा एक वो बैठा, एक वो बैठा, बहुत सारे थे, ये छोटू भी घूम के आ रहे हैं, ए टी ओस गाड़ी है, और भाई इसमें हमें राइड करा रहे हैं, कह रहे हैं भाई गाड़ी लेने वाले हैं वाली, तो कह रहे हैं कैसी लगी गाड़ी, साफ सुथरी गाड़ी है, चलाने में मज़ा आ रहा है, और बाकी भाजी बताएंगे मुझे कैसा लग रहा है, को बताओ गाड़ी चलाते हुए तो लग रहा है लेने लायक गाड़ी है भाई, मुझे तो सारी गाड़ियां लगती है, क्या बात है, मतलब है 4 पहिए लगा दो और वो भी गाड़ी है, फिर तो रेडी दिला दे फिर आपको, वो भी 4 पहिए वाली, वो तो सस्ती पड़ेगी, और सब में बड़ी बात भाई पेट्रोल नहीं लगता और ना डीजल लगेगा, और बताओ डीजल अपना ही लगेगा वो भी, अपना ही लगेगा वो भी, हाँ तो बताओ चलने वलने में मुझे तो सही लग रही है, सही लग रही है, बाकी भाई एक बार फिर भी मैकेनिक से अपने पता कराएंगे क्या हिसाब है, इसीलिए हम बाइक को भी लेके आए थे ताकि एक बार आप भी देख दो, हाथ मार के थोड़ा कन्फर्म सा हो जाता, बाकी ऐसे भी काम को कराने वाली आ गए हैं अपनी शॉप पे, झपा झप झपा झप अंदर काम हो रहा है, तो बाजी हैं टोयोटा में, बाजी टोयोटा में हैं, मेरा मैनेजर है, तो आपको कोई भी काम हो टोयोटा में प्लीज़ मेरे को बताना, ये मेरे पास ये 36 टोयोटा में है, ठीक है भाई, क्यों भाई ठीक है, अरे ऐसे ही मार रहे हैं भाई,
बिल्कुल मजे आ रहे हैं। अब मौसम कैसा हो रखा था इस टाइम? तो भाई बारिश का मौसम हो रखा है। ऐसे ही मौसम रहेगा भाई, ऐसा मौसम मत कर। नहीं बारिश में बड़े मौसम है ये तो यार, पेट रात मारने वाली बात कर रहा है, कर रहा है ऐसी रहे मौसम के बात है यार। और ऐसे बंदे कैसे आएंगे? कॉमिंग हो गई, लास्ट गाड़ी बचनी है, सेकंड लास्ट गाड़ी ना हमारे पास अभी है, एक पंच और है ना, तो भाई पंच लगना बाकी है अभी। मौसम क्या है, बारिश हो रही है, रखिए बारिश को। डुक 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 डुक। तो भाई गर्मी शायद इसलिए ऐसा रखी थी क्योंकि बारिश को बढ़ना था, गर्मी सच में बहुत ज़्यादा थी यार, आज हालत ख़राब हो गई हमारी काम करते करते। भाई साहब ये ऊट पे तो चला गया, लगा लो बारिश के चक्कर में बंदे ने अंदर घुसेर लिया है, आराम मस्त खड़ा है आराम से देखिए ना। नहीं मिलते तो है नहीं, खैर ऊट वगैरह तो ये अपने सर्कल वगैरह में देखे होंगे किसी में, या अपने जंगलों में देखे होंगे, या फिर कहीं रेगिस्तान वगैरह साइड में देखे होंगे, बस आज हमारी दुकान के पास भी आ गया है ये, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ऊँट है, ऊँट कैमल यार वही। ये भाई चल दिया, बारिश थोड़ी सी बंद हो गई थी, अरे भाई चल दिए इसको लेके तेरा ऊँट। स्टूल रखा हुआ भाई चढ़ाने के लिए, गन्ने की सवारी कराने के लिए, 10 रुपये सवारी।